देखिए हमारा फैन बहुत अच्छी तरह से घूम रहा है। देखो एक ही स्पीड पे दो पे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं फैन रेगुलेटर कनेक्शन। तो फैन रेगुलेटर के कनेक्शन जो होते हैं दोस्तों, वो कुछ इस तरह किए जाते हैं। जो फेज वायर है, जो फेज वायर दिख रहा है आपको, ये फेज वायर एक क्या है, एक स्विच है, यानी हमारा बटन है। इसको हम स्विच लिख देते हैं यहाँ पर। ये हमारा स्विच है जो कि हमारे बोर्ड में बटन लगा होता है, टू वे वन वे बटन। तो ये वन वे बटन है। तो एक जो वायर है वो बटन में जाता है, बटन में से निकल के जो दूसरा वायर निकलता है बटन में से, वो जाता है हमारे फैन के रेगुलेटर को। और रेगुलेटर से निकल के जो दूसरा वायर आता है, वो आता है फैन को। और ये जो वायर होता है, ये फेज वायर होता है। जिस वायर में आपका टेस्टर का लाइट लगेगा, वो होता है फेज वायर। और दूसरा होता है दोस्तों न्यूट्रल। और न्यूट्रल जो होता है, वो डायरेक्ट फैन को दिया गया होता है। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं फैन रेगुलेटर का कनेक्शन कैसे करते हैं और हमें फैन को कैसे रेगुलेटर के थ्रू कंट्रोल करना है। तो दोस्तों चलिए जल्दी से हमारा वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के साथ साथ आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, हम आपको बता, देखो ये इस रेगुलेटर को दो वायर होते हैं। आप इसको इस तरह ऊपर वाले बटन के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरह आपको ये कनेक्ट करना है दोस्तों, देखिए इस तरह आपको ये ऊपर वाले बटन के अंदर कनेक्ट करना है। इस तरह आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। कोशिश को अच्छे से टाइट करना है ताकि यहाँ पे कोई लूज कॉन्टैक्ट ना रहे और कोई स्पार्किंग ना हो। उसको अच्छे से खींच के देखना है ताकि कोई लूज कांटेक्ट ना हो, कोई स्पार्किंग ना हो। ये हमारे बोर्ड से आने वाली दो वायर होती है, और एक जो न्यूट्रल होती है और एक फेज होती है। तो न्यूट्रल जो होती है दोस्तों, वो डायरेक्ट फैन को ऊपर से दी गई होती है। ले तो अभी हमें क्या करना है, जो दूसरी वाली वायर होती है, जो फेज वाली वायर होती है बोर्ड के अंदर, ये फेज वाली जो वायर है, फेज वाली वायर को हमें बटन के नीचे वाले पॉइंट में जोड़ना है। इसको अच्छे से ऑन कर लेना है, उसके बाद इसको नीचे वाले पॉइंट पे ज्वाइन करना है। इस तरह आप उसको नीचे वाले पॉइंट के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। ये हो गया भाई हमारे कनेक्शन। एक वायर फैन को जाएगा, एक फैन के फेज को जाएगा और एक फैन के न्यूट्रल को जाएगा। तो देखते हैं अभी हम इसको फैन को कैसे कनेक्ट करना है। तो ये हमारा एक पास एक फैन है जो कि पॉलीकैब कंपनी का है। उसमें से दो वायर निकली हुई है। एक रेड वाला जो है फेज है, इसको हम फेज वायर को एक कनेक्ट करेंगे यहाँ पर ऐसे, इस तरह। तो आपको अच्छे से टेपिंग भी कर देना है बाद में। और ये जो ब्लैक वाला जो है, ये हमारा ये जो है, ये न्यूट्रल का वायर है। इस तरह हमने ये फैन को कनेक्ट कर दिया है। अभी हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए दोस्तों, आप देख सकते हो। आपको अभी क्या करना है, इसको अच्छे से टेप लगा देना है ताकि किसी को शॉक ना लगे। तो टेप को आपको अच्छे से लगाना है। इस तरह आप उसको दोनों वायर को उससे टेप लगा लोगे तो आप देख सकते हो बिल्कुल बहुत ही अच्छे से इसको टेप लगा रहे हैं हम। इस तरह आपको टेप लगाना है। ये हो गया न्यूट्रल को, और हमें इसके फेज वायर को भी टेप लगाना है। जो टेप होता है दोस्तों, ये भी आपको काफी अच्छे तरीके से लगाना होता है। अगर ये लूज लूज रहा टेप तो ये क्या हो जाता है, बाद में निकल जाता है। हीट होने के कारण ये निकल सकता है। तो इसको आपको अच्छे से लगाना है। अब देख सकते हो अभी हम इसको टेप लगा रहे हैं दोस्तों। हमने इसको टेप लगा दिया है दोनों वायर को। अभी हम क्या करेंगे, इसको सप्लाई से कनेक्ट करेंगे और हमारे फैन को चालू करके हम देखने वाले हैं। हमने इसको ट्रायल के लिए कनेक्ट किया हुआ है दोस्तों, हम इसको बाद में अच्छे से कनेक्ट कर लेंगे। चलिए दोस्तों, अभी हम इसको चालू करके देखते हैं। जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसको शुरू करने वाले हैं। स्टार्टिंग में हम इसको ऑफ कंडीशन में रख देंगे। अभी इसको ऑफ ऑफ पे सेट कर दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली हमारे फैन को एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से
और इसको ऊपर की तरफ पकड़े रखेंगे ताकि इसके हैंडल देखिए हमारा फैन बहुत अच्छी तरह से घूम रहा है। देखो एक की स्पीड पे दो पैर हमारे हो गए फैन के कनेक्शन।